नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं और इससे जुड़ी हर खबर हम आप तक लाते हैं। इसी श्रेणी में आज बात करेंगे 3 सितंबर को हुए फिजिकल की, कि उसमें कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, कितने पास हुए, कितनों को 15 नंबर मिले और भी बातें बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एवं यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप प्रत्येक दिन फिजिकल का अपडेट मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल जो है वो चित्रकूट स्टेडियम एवं विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रहे हैं। आज हमारे पास अभी तक विद्याधर नगर वाले स्टेडियम की कोई खबर नहीं आई है, परंतु हमारे पास चित्रकूट वाले स्टेडियम की पूरी खबर है। विद्याधर नगर वाले स्टेडियम की खबर जैसे ही हमारे पास आती है हम आपको अपडेट करा देंगे। हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये जयपुर कमिश्नरेट की है। तो आज टोटल जो बैच हैं वो थे 3, यानी कि 3 बैचों में फिजिकल लिया गया और कुल 420 विद्यार्थियों का फिजिकल हुआ। पहले बात करते हैं पहले बैच की, तो इसमें कुल 150 विद्यार्थियों ने दौड़ लगाई थी, उसमें से 63 बंदे ही पास हुए, यानी 150 बच्चे दौड़े हैं उनमें से 63 ही पास हो पाए हैं। उनमें से भी मात्र एक ही बंदा 15 नंबर ला पाया है और 17 बंदों को मात्र 10 नंबर मिले हैं। अब 5 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 45 है, यानी कि 150 में से 15 या 10 नंबर लाने वाले मात्र बच्चे 17-18 ही रह रहे हैं, बाकी के 5 नंबर वाले ही हैं। मतलब जो मेजोरिटी है वो 5 नंबर वालों की ही है। दूसरे बैच की बात करें तो उसमें भी 150 बंदों को दौड़ाया गया था, इसमें भी मात्र 59 बंदे ही पास हुए हैं और 59 में से भी मात्र 0 बंदे, यानी कि कोई भी बंदा 15 नंबर नहीं ला पाया है। 10 नंबर भी मात्र 14 बंदे ही ला पाए हैं। 45 बंदों के 5 नंबर आए हैं। यहाँ भी मेजोरिटी 5 नंबर वालों की है। और आपको बार बार मेजोरिटी वाले विद्यार्थी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि 5 नंबर वाले विद्यार्थी जो हैं वो भी सिलेक्शन की लाइन में पूरी तरह से हैं और वो कितने नंबर पर सेफ होंगे हम आपको ये भी बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे बैच की। तीसरे बैच में की बात करें तो दोस्तों इसमें 120 बंदों को दौड़ाया गया था। इन 120 बंदों में से 43 बंदे ही पास हो सके, यानी कि हालत यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि इन 43 में से 2 बंदों के ही 15 नंबर आए हैं, 7 बंदे 10 नंबर पाए हैं, बाकी के 34 बंदों के 5 नंबर हैं। और आज के तीनों बैचों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। औसतन रहा है वही रहा है जो पिछले 2-3 दिनों से देखने को आ रहा है, यानी कि 2 सितंबर को कुल बैचों का जो रिजल्ट, जो 2 सितंबर को यानी कि कल जो 2 बैच हुए थे उनमें से कुछ बैचों का रिजल्ट अच्छा आया था, पर आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। कल एक बैच में 24 बंदों ने 10 नंबर हासिल किए थे, पर आज ऐसा नहीं है। और लेकिन फिर भी रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, औसत ही है। तो आज भी लगभग वही आप देख सकते हैं, लगभग 50% बंदे ही क्वालिफाई कर पाए हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनके 5 नंबर हैं, तो वे लोग बहुत परेशान हैं। उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि मेरे तो भाई 5 नंबर आए हैं, मेरा होगा या नहीं, मैं पास होऊंगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए, 5 नंबर वाले बंदे बाहर तो नहीं होंगे, क्योंकि 10 और 15 नंबर वाले बंदों को कुल मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने के बाद भी जितने बच्चे पास हो रहे हैं वो सीट जो कुल सीटें उन सीटों से कम हैं, यानी कि वो जो 10 और 15 नंबर वाले बच्चे हैं वो पूरी सीटें नहीं भर पाएंगे। तो 5 नंबर वालों को नौकरी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप लोग सेफ तभी हैं जब आपके ज़्यादा नंबर हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जो सिलेक्शन होगा वो खाली फिजिकल या टेस्ट से होगा नहीं, वो दोनों को मिलाकर होना है, यानी कि आपके दोस्तों आगे 5 नंबर भी हैं और टेस्ट में आपके ठीक ठाक नंबर आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मानकर चलिए आप औसतन 55 नंबर ला रहे हैं, यानी फिजिकल में प्लस एग्ज़ाम दोनों में मिलाकर आपके 55 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपके बहुत अच्छे चांस हैं। कुछ ज़िलों की कट ऑफ ज़रूर ज़्यादा रह सकती है, जैसा कि देखने में लग रहा है कि अलवर ज़िले की शायद कट ऑफ 2-3 नंबर ज़्यादा जाएगी, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों की जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास ही रहेगी। तो आप 55 पर आपके काफ़ी अच्छे चांस हैं। तो आप अगले जिनके फिजिकल होने हैं
वो अच्छे से तैयारी करें, वो 10 से 15 नंबर लाएं, हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। विद्यानंद नगर वाले स्टेडियम में उसकी जैसी रिपोर्ट आती है हम आपको बता देंगे। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।